तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप? अगर कोई भी वेबसाइट में पढ़ाई का या फिर कोई आर्टिकल हो या फिर आपका ज़रूरी कोई चीज़ उस वेबसाइट में हो और उसको आपको प्रिंट कराना है या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, लेकिन जब आप वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक आर्टिकल खोल के बैठा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ऐड है, ऊपर ऐड है, ठीक है, और बीच बीच में बहुत सारे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करूँगा तो ऐड साइड में जितना सब है वो सब आ जाएगा प्रिंट में। मैं एक बार आपको शॉर्टकट करके दिखाता हूँ, CTRL और P करता हूँ तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है, यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल है और यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप है, फिर यहाँ पे आर्टिकल है, फिर नीचे बहुत सारे कुछ है। तो आप इसको कैसे हटा सकते हैं? ऐसे प्रिंट करेंगे तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एकदम क्लीन, मतलब जो आर्टिकल आपका ऑन पॉइंट रहेगा, जैसे आप कहीं पे टाइप करके खाली टाइटल और जो न्यूज़ या फिर आर्टिकल है सिर्फ वही आएगा, और जितना भी चीज़ें दरकार नहीं है वो सब चीज़ें आप हटा सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख पा रहे हैं ये आर्टिकल है, आपको आर्टिकल खोलना है और आर्टिकल का वेबसाइट आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका URL है, ये वाला पूरा, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सिर्फ इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से CTRL+C प्रेस कर सकते हैं तो कॉपी हो जाएगा। और एक नया टैब आपको खोलना है, यहाँ पे गूगल में आपको या फिर आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन में भी चल रहा है। तो वेबसाइट का URL है printfriendly.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं printfriendly.com। इसका आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, आप जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट टूल, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, क्रोम का है, फायरफॉक्स का है, सफारी और एज का है, और ओपेरा क्रोम का ही यूज़ करता है तो क्रोम का आप ओपेरा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑन द गो आप कोई भी पेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे ये क्रोम का आ गया, यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये क्रोम वेब स्टोर में चला जाएगा। फिर यहाँ पे साइड में ऐड टू क्रोम ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे तो देखिए ये प्रिंट फ्रेंडली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसको काट दूंगा तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, ये है वेबसाइट। इसका होम पेज में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट एनीथिंग टू PDF। ये PDF कन्वर्टर भी है, मतलब कुछ भी वर्ड हो आपका, कुछ भी फाइल हो, ये PDF में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे वेबसाइट भी होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर ए URL टू मेक इट प्रिंटर फ्रेंडली और PDF। तो यहाँ पे आप उस URL को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा वेबसाइट था, यहाँ पे देखिए वेबसाइट कैसा है, और यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लीन है। ये सब उनका खुद का एड्स है, ये ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे जितना दिखाई दे रहा है यहाँ तक ही दिखाई देगा। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं कुछ आपको अगर पसंद नहीं है। कैसे डिलीट करेंगे? ऐसे आप ये फ़ोटो अगर मुझे हटाना है, इसमें मैं क्लिक करूँगा, देखिए फ़ोटो हट गया। यहाँ पे ये 2 मिनट ago ये सब लिखा हुआ है, ये सब मैं हटा सकता हूँ, इसको जस्ट डिलीट करूँगा, देखिए चला गया, ये डेट देखिए चला गया। ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये पोर्शन है, ये वाला डिलीट करना है मुझको, ऐसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, माइलस्टोन कुछ लिखा हुआ है, जैसे अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये देख पा रहे हैं अननेसेसरी चीज़ें हैं, इसको मैं ऐसे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, जो नहीं चाहिए आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैं जितना नहीं चाहिए डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो चुका है। यहाँ पे आप खाली टाइटल देख सकते हैं, ये भी मैं डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे वेबसाइट का URL ये रहेगा ही, इसको आप हटा नहीं सकते। उसके नीचे आपका आर्टिकल और बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी और एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको 70 करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको 130 करेंगे तो देखिए ये बड़ा हो गया। ऐसे करके आप फॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा यहाँ पे ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं
प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है उसमें ये आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू, देखिए यहाँ से ये कितना क्लीन है, और यहाँ पे प्रीव्यू देखिए आप कितना गंदा है। ये आप प्रिंट करेंगे तो आपका कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे क्या था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लीन मिलेगा आपको। उसके साइड में पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे पेज साइज़ है, आपको लेटर साइज़ में चाहिए या फिर A4 में चाहिए, ज़्यादातर लोग A4 यूज़ करते हैं। उसके बाद डाउनलोड योर पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल ये डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ये देखिए पीडीएफ कितना क्लीन है, ये दो पेज में आ गया। इसका फॉन्ट थोड़ा कम कर देंगे तो एक पेज में आ जाएगा। ऐसे करके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं फॉन्ट को। आप चाहे तो यहाँ से ही ईमेल कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टू फ्रॉम में चला जाएगा, फिर आप मैसेज भेज के इसको सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आप कॉपी पेस्ट से कर सकते हैं, या फिर पहले जो हम एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे, इंस्टॉल किए थे, उसको यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन का आइकॉन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है प्रिंट फ्रेंडली, जो एक्सटेंशन है उसको आप क्लिक करेंगे तो जैसा हम वेबसाइट में कर रहे थे वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएगा। तो जैसे हम वहाँ पे डिलीट किए थे, यहाँ पे भी क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए ऐसे डिलीट करेंगे तो दोस्तों बस इतना ही था। ऐसे करके आप कोई भी वेबसाइट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। वीडियो देख के अगर हेल्प हुआ है तो ज़रूर वीडियो में लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं टेक रिलेटेड कोई भी कंप्यूटर या फिर फ़ोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सबको हेल्प कर देता हूँ, जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।